So next part that we are going to study is electric field due to a uniformly charged ring. ठीक है. And first case उसमें भी दो case actually. First case में we'll see center पे उसका value क्या आ रहा है. ठीक है. So we are going to find electric field due to uniformly charged ring. Okay, this is the topic we are going to study. But इसमें क्या आपका दो केस है. But case one में हम लोग देखेंगे at center क्या आता है. ठीक है. Ring के center पे electric field का value क्या आता है. Okay. So for the sake of simplicity, let's draw a circle. एक circle बना लिया हम लोगों ने बड़ा सा. और इस सर्कल के सेंटर पे चले से यहां पर कहीं सेंटर होगा. ठीक है. वहां पर हम लोगों को वैल्यू देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेट्स से कुछ इस तरह से. ठीक है. लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है तो हर जगह के आपके पास पॉजिटिव चार्ज इस तरह से. यहां पर भी फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट एसेंशियल कि आप सीधा डायरेक्ट एंड रिजल्ट ही जानो. मस्ट अंडरस्टैंड अदर थिंग्स एज वेल. So first of all, if the value of charge is q and radius of circle is let's say r, so you can actually define charge density. क्योंकि eventually क्या है वो एक thin rod है जिसको आपने एक circle के form में bend किया, right? Simple. तो if charge is q and length of circle, or you can say पेरीमीटर जो हो जाएगा सर्कल का, दैट विल बिकम 2 पाई आर. ठीक है. तो रादर देन रॉड के लेंथ से डिवाइड करने हम लोग क्या करें, हमें वी नो कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज अलोंग लाइन ओनली, राइट, अलोंग दिस कर्व ओनली. विड्थ वाइज स्प्रेड क्या होनी, एरिया वाइज स्प्रेड क्या होनी है, वॉल्यूम वाइज स्प्रेड क्या होनी है, सिर्फ विड्थ सिर्फ लेंथ के अलोंग चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. तो चार्ज डेंसिटी अगर आपको लिखना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी टर्म इफ यू वॉन्ट टू यूज, यूल हैव टू राइट चार्ज डिवाइड बाई लेंथ ऑफ कर्व, जो भी कर्व है आपके पास. तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ कर्व दैट इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई, तो वो आपको 2 पाई उसमें लिख देना. बट ठीक है, लैम्डा तो आपने फाइंड कर लिया, बट एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेंटर पे जीरो आता है. क्वेश्चन इज जीरो क्यों आता है. इट्स वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन. अगर आप एक छोटा सा पीस यहाँ कट करते हो, ठीक है, और कोई दूसरा इंसान एक छोटा सा पीस नीचे कट करता है, एंड इफ आई नेम दीज टू पार्ट एज पार्ट नंबर वन पार्ट नंबर टू, छोटा छोटा पीस इक्वल लेंथ का मैंने छोटा छोटा पीस कंसिडर किया, ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट वाले पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, गिवन ये स्क्रीन है ना, मतलब ये प्लेन है हमारा और उसी प्लेन पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अपर पॉजिटिव स्मॉल पार्ट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, या फिर मैं आई कैन राइट ई वन, और मे बी आई शुड राइट सिंपली डी, ठीक है, ये बहुत छोटा सा वैल्यू है, बट ठीक है, ई वन इज ऑल्सो फाइन. जो बॉटम में हमारा सेकेंड पार्ट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एंड डायरेक्शन विल बी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एंड दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो दोनों का इक्वल होगा. क्यों? बिकॉज दोनों का मैंने साइज इक्वल इक्वल कंसिडर किया है, और सर्कल में किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से सेम आएगा, इट विल बी ऑलवेज रेडियस. तो E1 और E2 इक्वल है एंड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे वो. नॉट जस्ट दिस पार्ट, आप कहीं भी कट करो ना, उसके जस्ट अपोजिट में एक पार्ट आपको मिल जाएगा जो उसको कैंसिल कर देगा. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ कि सर यहाँ का चार्ज लेते हैं, इतना सा एक पीस है, इसको कट करते हैं, इस चार्ज की वजह से ना, ड्यू टू दिस चार्ज लेट्स कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, तो वो जीरो आएगा. क्यों? क्योंकि ये आपने कंसिडर किया ना एक चार्ज, तो आप क्या करो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में डायमेट्रिकली डायमीटर वाइज अपोजिट टू इट दूसरा एक इक्वल लेंथ का पीस कट कर लो, ठीक है. तो फिर क्या होगा, अगर मैं लेट्स से इफ आई राइट दिस एज पॉइंट नंबर 3 और इसको पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 3 से अवे इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 4 का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में 4 से अवे इस डायरेक्शन में, बट अगेन E3 और E4 का वैल्यू सेम होगा बिकॉज आपने लेंथ पीस का सेम कट किया है, सेम चार्ज यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, सो आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है वो फिक्स है, लैम्डा इज अ फिक्स वैल्यू. So eventually
E3 or E4 भी आपका कैंसिल हो जाएगा. इन शॉर्ट यू कैन ऑलवेज फाइंड अ पेयर, है ना, सेम लेंथ सेम साइज का, आप अपोजिट डायमीटर वाइज अपोजिट आप एक पेयर ढूंढ सकते हैं और वो क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा. सो वी कैन सिंपली राइट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट विल बी जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा. आपको मैथमेटिकली सॉल्व करने की इसमें जरूरत भी नहीं है. विदाउट सॉल्विंग यू कैन सिंपली बाय एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन यू कैन कंक्लूड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी जीरो. सिंपल, ठीक है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. बट एट द सेम टाइम ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, सोचना इसमें कि मैथ्स वाइज इफ वी नीड टू प्रूव, है ना, मैथमेटिकली अगर हमें प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी डेफिनेटली जीरो, मैथमेटिक्स वाइज नॉट एनालिसिस वाइज, मैथमेटिक्स वाइज अगर आपको प्रूव करना है इंटीग्रेशन का अप्रोच यूज करके तो कैसे करेंगे, ठीक है. सब लोग इसको फटाफट नोट करना है ना, एवरी वन प्लीज नोट इट. इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका सेकेंड केस देखेंगे इन विच विल एक्चुअली गो फॉर इंटीग्रेशन. सर उधर एट इट सेंटर आएगा ना, या इट शुड बी सेंटर एट इट्स सेंटर, रिंग का सेंटर आई मीन. ओके, पास नोट करना है, बहुत छोटा सा है. Yeah, yes, sir. So let's check the B part. So B part में क्या करेंगे हम लोग? सर एक मिनट दिखा ना बक. Okay, okay, yeah, just. ठीक है, नोट कर लो आप. Done. Sir. Okay. सो सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ट्राई टू फाइंड. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आप किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं. प्रॉब्लम फाइंड करने का नहीं है, प्रॉब्लम ये कि इंटीग्रल हर फंक्शन को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते. ये आप कब पढ़ेंगे, जब आप मैथ्स में आगे बढ़ेंगे देन यू विल नो दैट टू प्लस टू लेवल पे एक्चुअली वो भी काफी कम इंफॉर्मेशन में, ठीक है, बिकॉज यू स्टडी फंक्शंस जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं. वैसे फंक्शंस आप पढ़ते ही नहीं जिसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बट देर आर मेनी फंक्शंस जिसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, है ना. इट्स वेरी इजी टू डिफरेंशिएट समथिंग, वेरी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट, ठीक है. सो मेनी फंक्शंस में यू कैन नॉट हेल्प, मतलब आप कुछ भी कर नहीं सकते, तो इट डजंट मैटर कितना एफर्ट डाला आपने. बट या कंप्यूटर सिमुलेशन यूज करके एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का इट कैन फाइंड एट एनी पॉइंट, ठीक है, गिवन सर्टेन लिमिट्स ऑब्वियसली. तो हमारे लिए क्या है, वी आर स्टडी ओनली स्पेसिफिक केसेस. क्यों? बिकॉज
कुछ तो आएगा इंटीग्रेशन के अंदर अगर आप जनरल केस लोगे, बट देन इंटीग्रेट होगा या नहीं होगा, देयर आर गुड चांसेस कि द इंटीग्रेशन विल बी आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि प्लस टू सिलेबस पे इंटीग्रेशन इज लिमिटेड टू वेरी स्मॉल सेट ऑफ फंक्शंस, स्मॉल नंबर ऑफ फंक्शंस. एंड सेकंड थिंग इज यू माइट हैव अ एक्सप्रेशन एक्चुअली जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते, ठीक है. तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, सो वी नॉट गेट इनटू दैट. ओके, रिंग का क्या है ना, हम लोग सर्कल नहीं बनाएंगे, ठीक है. सर्कल वाला व्यू का मतलब क्या है कि रिंग को आप सामने रख के देख रहे हैं, मतलब रिंग का स्ट्रक्चर, जो रिंग का प्लेन है वो आपके आईज के परपेंडिकुलर है, उस तरह से आप बोल सकते हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, साइड व्यू देख रहे हैं. तो साइड व्यू देखने पे क्या होगा, रिंग एक्चुअली लाइन जैसा दिखेगा. अभी मैंने आपको वायर दिखाया भी था, तो जब मैंने साइड व्यू में दिखाया था आपको, आपको लाइन जैसा दिख रहा होगा या फिर एलिप्स जैसा दिखेगा, है ना, काइंड ऑफ एग शेप, ठीक है. तो थोड़ा सा हम लोग टिल्टेड व्यू में देखेंगे उसको, तो इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है. डायग्राम थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएंगे बिकॉज की दिक्कत हो जाएगी, इस तरह का बना. अब जो ऑब्वियसली आप टिल्टेड व्यू में देख रहे हैं, तो एक पार्ट होगा जो आपके आईज के क्लोज होगा और एक पार्ट होगा जो पीछे होगा, राइट. क्योंकि वो रिंग है तो कुछ पार्ट आधा पार्ट आगे आएगा और हाफ पार्ट पीछे से आएगा. तो पीछे वाला जो पार्ट है ना, उसको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दे, सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज, है ना. तो डॉटेड लाइन है मतलब वो पीछे का पार्ट, और सॉलिड लाइन इट मीन्स वो आगे का पार्ट है. मतलब ये सॉलिड लाइन अगर आप स्क्रीन देख रहे हो, तो सॉलिड लाइन का मतलब स्क्रीन के ऊपर से, मतलब यहां से ऐसे रिंग बाहर निकलेगा और फिर ऐसे नीचे, मतलब यहां पर रिंग अंदर जाएगा और फिर पीछे से घूम के कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. सो दैट इज द डिजाइन दैट वी आर गोइंग टू फॉलो. और ये रिंग का आपका सेंटर हो गया, ठीक है. ये रिंग का आपका सेंटर हो गया. तो जो रिंग का एक्सिस जो टर्म यूज कर रहे हैं, एक्सिस का मतलब होता है ये रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. तो ये रिंग का सेंटर हो गया. यहां पर रिंग के सेंटर से आपने एक लाइन ड्रॉ किया जो रिंग के प्लेन के, यानी जो रिंग का शेप है उसके परपेंडिकुलर है. एक्चुअली यू कैन क्लियरली फील यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आइडियली. एंड वी डोंट नो लाइक नेट चार्ज क्या है, नहीं है, मे बी इट डिपेंड्स ऑन यू ना. आप लैम्डा यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में भी आप फाइंड कर सकते हैं, या जनरल चार्ज के टर्म्स में भी फाइंड कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप कैसे फाइंड करें, ठीक है. सो let's stick to in whichever form simplest formula we can get, okay. So simplest formula jo hai wo aapka is case mein charge ke terms mein aata hai, theek hai. To main charge offering consider kar lo, q capital q, theek hai. Radius plus capital use as capital r, theek hai. And kis point pe hai na, kaun sa point hai jahan pe hum logo ka interest hai, kaun sa point hai jahan pe hum log electric field ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. Let's assume yahan par wo point, theek hai. I'm not going to write point P anywhere. बाद में लिख लेंगे क्योंकि फिर स्पेस की गड़बड़ हो जाएगी. सो पॉइंट पी इज एट ए डिस्टेंस, लेट्स से x फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग. ये डिस्टेंस जो है पॉपुलर डिस्टेंस जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है. प्लेन के रिंग के प्लेन के पॉपुलर एक्सिस, ठीक है. तो उस डिस्टेंस को मैं x कंसिडर कर लूंगा. आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, डजंट मैटर. अब क्या करना है आपको, प्रोसेस वही फॉलो करना है जो आपने पहले फॉलो किया. पहले आपने क्या फॉलो किया था, इन अर्लियर केस व्हाट वी डिड, वी सेलेक्टेड वन स्मॉल पीस ऑफ रिंग और फिर जस्ट उसके अपोजिट में हम लोगों ने एक और रिंग का पीस कंसिडर किया और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा. व्हाई, बिकॉज दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनका हो सकता है या तो एक दूसरे को कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर दे बोलो, या फिर ऐसा हो सकता है कि सम पार्ट सम स्पेसिफिक डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट कैंसल, ठीक है. कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, गुड चांसेस कि समथिंग माइट गेट कैंसल. तो अगर आपको उसका बेनिफिट उठाना है तो आपको जस्ट अपोजिट वाले कंसिडर करने. सो व्हाट आई विल डू हियर, एक यहां पर एकदम टॉप वाला पार्ट, रिमेंबर टॉप वाले पार्ट को मैंने क्या बोला था कि अगर टॉप वाले पार्ट को अगर आप इमेजिन करोगे तो वो एक छोटा सा लाइन होगा जो स्क्रीन से बाहर आ रहा होगा आपके आईज की तरफ, ठीक है. तो अगर मैं ऐसे ऊपर में एक छोटा सा पार्ट रिंग का कंसिडर करता हूँ, ये पार्ट में अगर रिंग का कंसीडर करता हूँ, अब इससे बड़ा नहीं बना सकते तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है. वो क्या, एक तरह से एक लाइन है जो स्क्रीन से बाहर आ रहा है, ठीक है. इट्स वेरी स्मॉल लाइन. एंड सिमिलरली उसका जस्ट अपोजिट, डायमेट्रिकली जस्ट अपोजिट, मतलब ये हो गया आपका डायमीटर, ठीक है. डायमेट्रिकली जस्ट अपोजिट अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा पीस आप नीचे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है. एंड एनी स्मॉल पीस ऑफ सर्कल इज ए स्ट्रेट लाइन. तो सर्कल का आपने एक छोटा सा पीस कट किया, वेरी स्मॉल पीस है,
almost a straight line. Almost, obviously, almost a straight line is the term I have to use, right? So, वहां पर जैसे टॉप मोस्ट पार्ट में क्या हुआ कि आपका एक लाइन बन रहा है जो स्क्रीन के बाहर निकल रहा है. सिमिलरली क्या होगा बॉटम मोस्ट पार्ट में भी आपका एक लाइन है जो स्क्रीन के बाहर आ रहा है. बाहर स्क्रीन के बाहर बोलो या फिर स्क्रीन के अंदर बोलो, इट डजंट मैटर इन दिस केस. ठीक है, द पॉइंट इज जस्ट अपोजिट वाला हम लोगों ने कंसिडर किया. ठीक है, एंड वी डोंट नो ना, एक छोटा सा पीस है, इसका क्या चार्ज होगा आई डोंट नो, राइट? क्या लेंथ होगा इसका, दैट टू ऑल्सो आई डोंट नो. सो लेंथ मान लो डीएल है बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग. इस छोटे से पीस पे कुछ चार्ज होगा जो हमें पता नहीं, मे बी कुछ चार्ज होगा और मे बी आई शुड राइट डी कैपिटल क्यू, डी क्यू विच इज अ स्मॉल चार्ज. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल कैपिटल क्यू हमें नहीं पता कितना चार्ज होगा, राइट? हम लोग अभी इंटरेस्टेड भी नहीं उसको जानने में. अब आपको ये सोचना है कि ये डिस्टेंस जो हमारे पास वो कैपिटल आर है और ये डिस्टेंस हमारे पास x है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है अगर मैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देखना चाहता हूं, ठीक है, इस रेड पॉइंट पे इफ आई वांट टू चेक इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा ऐसे. ठीक है, एंड उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी स्पेसिफिक वैल्यू, आई विल सिंपली राइट डी कुछ होगा. ठीक है, और सिमिलरली अगर आप ऑरेंज कलर से एक लाइन ड्रॉ करोगे और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखना चाहोगे बॉटम वाले पार्ट है ना, जस्ट जो जस्ट अपोजिट नीचे है, अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखना चाहोगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस डायरेक्शन में. ठीक है, एंड उसका वैल्यू भी सेम होगा. क्यों सेम होगा? बिकॉज आपने जितना लेंथ का ऊपर में पीस कंसिडर किया है उतने ही लेंथ का आपने नीचे पीस कंसिडर किया है. ऊपर वाले लेंथ का जो डिस्टेंस है रेड वाले पॉइंट से सेम है ना. इनफैक्ट आप वो डिस्टेंस लिख भी सकते हो ना, यू कैन ऑल्सो राइट दिस डिस्टेंस, लिख लेते हम लोग. सो वी कैन राइट दिस डिस्टेंस एज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यू कैन क्लियरली सी जो नीचे वाले का डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. दोनों डिस्टेंस भी सेम है, तो डिस्टेंस सेम है, आपका डिजाइन सेम है, डिजाइन में सिमेट्री सब कुछ सेम है, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा. एंड नॉट जस्ट वैल्यू, ये जो एंगल है ना, ध्यान से देखना, ये एंगल अगर मान लो इस एंगल को इफ़ आई से राइट इट एज अल्फा, अगर ये एंगल को मैं अल्फा लिखता हूँ तो डिजाइन में सिमेट्री है, ये भी एंगल क्या आपका अल्फा है, सेम. तो इसका मतलब क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का एंगल भी सेम है. तो अगर मैं इसके कॉम्पोनेंट्स ब्रेक करता हूँ, इफ आई राइट इट्स कॉम्पोनेंट, सो लेट्स से ये कॉम्पोनेंट में लिखता हूं, ठीक है, ऊपर वाले का ना, ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट लिखता हूं, देखो तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा है ना, तो ये भी अल्फा आएगा और ये भी अल्फा आएगा. तो मैं ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, तो अपर वाला जो डी है, डी का अगर मुझे हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट लिखना है तो आई विल राइट डी कॉस अल्फा, ठीक है, एंड डी का अगर मुझे वर्टिकल कॉम्पोनेंट लिखना है तो आई विल राइट डी साइन अल्फा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, ये सबको समझ गया हमारे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो नीचे वाला डी है, तो नीचे वाले डी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में आएगा डी, अगेन इट विल बी वैल्यू वाइज साइन अल्फा. और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो भी अगेन हॉरिजॉन्टल होगा और राइट साइड ही उसका कंपोनेंट आएगा, एंड दैट विल बी अगेन डी कॉस अल्फा. ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को इतना समझ में आया कि ये दोनों पार्ट कैंसल हो जाएंगे, डी साइन अल्फा, बिकॉज डी का वैल्यू सेम है, साइन अल्फा भी दोनों केस में साइन अल्फा यूज किया हम लोगों ने, दोनों का वैल्यू सेम है, एंड अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसल हो जाएगा. इसका मतलब ये है द ओनली थिंग दैट वी आर इंटरेस्टेड, वी शुड बी इंटरेस्टेड इन इज डी कॉस अल्फा. सो डी कॉस अल्फा जो टर्म है, दिस इज द ओनली टर्म विच इज यूजफुल. ठीक है, सिर्फ ये काम है, इसको इंटीग्रेट अगर हर एक ऐसे ऐसे आपको पीसेज इमेजिन कर रहे, ठीक है, हर जगह पीस होगा इस तरह. जैसे लेट मी यूज सम अदर कलर, विच वन शुड आई यूज, लेट्स रेड कलर यूज करो. ओके, सो रेड कलर से अगर आप मान लो एक पीस यहाँ पे आप पकड़ते हो, ठीक है, एक छोटा सा पीस मैंने सर्कल का यहाँ पे लिया, तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट किधर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आप एक पीस कंसिडर करोगे, ठीक है, और इन दोनों पीस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल मतलब कंपोनेंट पैरेलल टू एक्सिस, ये आपका एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस. ठीक है, जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस के पैरेलल है वो मिलेगा,
बट जो कॉम्पोनेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो कौन से वाले, ये वाले, इनकी बात करो। ये जो कॉम्पोनेंट है एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये कॉम्पोनेंट आपके कैंसिल हो जाए, ठीक है। सो इन शॉर्ट वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट डी कॉस अल्फा का टर्म, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू नाउ फॉर आवर वन पीस, ठीक है, ऊपर का जो एक पीस है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो मैं इंटीग्रेट करके फाइंड करूंगा। सो आई विल राइट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब एक पीस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज डी कॉस अल्फा, ये होता है, ठीक है। नाउ डी का आपको वैल्यू लिखना है, एक्चुअली फाइन वी हैवंट रिटन एनीथिंग येट, सो लेट मी राइट वैल्यू डी का। डी की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, चार्ज लिखना पड़ेगा, राइट। अरे छोटा सा पीस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही होता है, के क्यूब आर स्क्वायर का एक्सप्रेशन होता है, राइट। सो विल राइट के क्यूब विच इज चार्ज ऑफ द पार्ट जिसकी वजह से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो चार्ज डी क्यू है, ऊपर में लिखा मैंने छोटा सा, ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। And then you have cos alpha. Cos alpha को भी क्या करो ना, जो अपर में एक ट्राइंगल है ना, ऊपर वाला ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को यूज करके cos alpha लिख दो आप x over hypotenuse, right? So hypotenuse का वैल्यू हो जाएगा r square plus x square, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ गया। इसमें जो चीजें इस पर्टिकुलर केस के लिए फिक्स है आप उसको बाहर कर लो, क्या क्या फिक्स, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ध्यान से देखना। k फिक्स है, एक रिंग के लिए किसी सर्टेन डिस्टेंस पे आप किसी सर्टेन पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे होंगे, तो x इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट फॉर दिस गिवन केस, तो k और x भी कॉन्स्टेंट है। डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर एक्सपोनेंट वैल्यू यू कैन राइट एज 3/2, ये भी, तो इसमें r, r तो रेडियस ऑफ सर्कल अगेन फॉर ए गिवन केस, इज इट बेटर नाउ, अभी स्क्रीन लैग कर रहेगा, एक बार ज्वाइन अगेन इफ देयर इज सम इशू, स्क्रीन के राइट साइड में आप रिटर्न हाई, इफ यू कैन सी इट इट मीन्स योर स्क्रीन इज फाइन, अदरवाइज ज्वाइन अगेन, मे बी कुछ इश्यू हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। कैन एवरी वन सी हाई बॉटम राइट कॉर्नर पे छोटा सा, ओके ऑसम, सो लेट्स गेट बैक टू कैलकुलेशन अगेन। कैलकुलेशन हम लोग क्या देख रहे थे, डिनोमिनेटर में पावर, डिनोमिनेटर हम लोगों ने बाहर कर लिया, क्यों, बिकॉज आर इज अ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन सर्कल, एक्स भी आपका फॉर अ गिवन सर्कल, एक्स इज व्हाट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सर्कल, अगेन वो भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। सो आपने सब कुछ बाहर कर लिया, तो बचा गया आपके इंटीग्रेशन में, सिर्फ इंटीग्रेशन में बहुत छोटा सा टर्म बच गया डी क्यू, ठीक है। डी क्यू का मीनिंग क्या है, डी क्यू का मीनिंग है बेसिकली उस छोटे से पीस पे चार्ज क्या है, ठीक है। तो उस छोटे से पीस पे आप चार्ज कैसे लिखोगे, तो मैं आपको याद दिला देता हूं, कॉन्सेप्ट जो लैम्डा का था, चार्ज पर यूनिट लेंथ का कॉन्सेप्ट था, डिड आई मिस समथिंग, डी क्यू में डायरेक्ट कर लेते हैं ना, वी डोंट हैव टू इवन कन्वर्ट इट, वी कैन डायरेक्टली यूज डी क्यू में, या वी डोंट हैव टू प्रोसीड एनी फर्दर, यहीं पर हम लोग कैलकुलेशन खत्म कर सकते हैं, और सो इट डिपेंड्स है ना आपको कौन सा चाहिए, ठीक है, यहीं पे खत्म कर देते हैं ना, यहीं पे काम खत्म हो जाएगा अपना, वी डोंट हैव टू वरी, आप यहीं पे इंटीग्रेशन खत्म कर दो, नाउ यू कैन फाइनलाइज वैल्यू इफ इंटीग्रल, आप लिमिट डाल दो बस इसमें, तो लिमिट डाल दो, तो लिमिट क्या डालोगे, तो देखो छोटा सा पीस का चार्ज डी क्यू है और आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, हर छोटे 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 पीस को आप ऐड कर रहे हैं, तो अगर सारे पीस को ऐड करोगे तो टोटल चार्ज मिलेगा एंड दैट विल बी क्यू, राइट। सो इंटीग्रल का लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो से क्यू, तो इवेंचुअली यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया के एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर this to power 3/2, maybe x को थोड़ा सा right side में मैं shift कर देता हूँ, so that I can write q in middle, है ना, k हो गया expression है, k q x over r square plus x square raised to the power 3/2, first of all this is very very important formula, obviously you should know how to derive as well,
ठीक है, आपको ड्राइव करने में आना चाहिए, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में और स्पेशली एनर्जी कंजर्वेशन वाले केसेस में, लेकिन फील्ड फाइंड करने वाले केसेस में ये बहुत बार आएगा. एंड इसी टाइप का सिमिलर डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी विल डू, एग्जैक्ट सेम शेप का. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फटाफट नोट कर लो. वैसे भी आई वॉन्टेड टू एड कपल मोर थिंग्स, बट अभी स्पेस नहीं है इसमें, तो इसको आप नोट कर लो फटाफट, देन विल एनालाइज इस प्रॉब्लम में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छिपी हुई है. ओके, सारे बच्चों नोट कर लो इसको, प्लीज नोट इट फर्स्ट. हेलो सर. यस यस बताओ सर, हमने यहाँ पे जो ई फाउंड आउट किया है वो दोनों के इफेक्ट के वजह से फाइंड किया है कि सिर्फ ऊपर वाले के इफेक्ट? अगर आप नोटिस करोगे, आई हैव टेकन ओनली सिंगल डी कॉस अल्फा, मैंने एक सिंगल टर्म लिया डी कॉस अल्फा, एंड देन आई सेड कि इंटीग्रेशन डी क्यू है ना, इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब क्या हुआ, आप छोटा 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 सारा पीस का चार्ज ऐड करो तो ऑब्वियसली वो कैपिटल क्यू है, टोटल चार्ज हो जाएगा. दो पीस मैंने सिर्फ इसलिए लिया था सो दैट यू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू एक्सेस इज जीरो, सो वी डोंट हैव टू इंटीग्रेट एंड फाइंड इट, उसको आपको इंटीग्रेट करके फाइंड ही नहीं करना. ठीक है, ओके ग्रेट. किसी बच्चे ने एक और मैसेज पहले पूछे, ही सेइंग सर चार्ज डिपेंड्स ऑन लेंथ, तो लिमिट लेंथ का नहीं होगा क्या? हाँ बिल्कुल, आप लिमिट लेंथ का रख सकते हो ना, इफ यू वांट टू यूज दैट इन दैट वे यू कैन डू दैट. ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं एक बार साइड में ना एक और चीज मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ यू यू माइट फाइंड इट हेल्पफुल. अल्टरनेट अप्रोच, अल्टरनेट अप्रोच में क्या है, आप इंटीग्रेशन को वैसे रहने दो. ठीक है, सो यू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के, ये जो स्टेप था ना प्रीवियस स्टेप आपको डाले आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जिस पर 3/2, यहाँ तक आप सेम रखोगे. बस डी क्यू की जगह आपको ये लिखना है कि हमारे पास लेंथ कितना है, तो डीएल लेंथ है लेट्स से, तो डीएल लेंथ इनटू चार्ज पर यूनिट लेंथ विच इज लैम्डा, राइट. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, के एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन लैम्डा फॉर अ गिवन केस, एक पर्टिकुलर रिंग के लिए क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा, राइट. तो लैम्डा को आप बाहर कर सकते हैं, तो आपके पास सिर्फ इंटीग्रल डीएल बच जाएगा, है ना. और इंटीग्रल डीएल का अगर आपको, इंटीग्रल डीएल का मतलब क्या हुआ, आप छोटा सा लेंथ जो है छोटा 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 लेंथ करके पूरा रिंग कवर करना है पूरा, राइट. सो बेसिकली आप सर्कमफेरेंस ले रहे हैं, तो आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा जीरो से इंटीग्रेशन टू पाई आर, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एवरी नॉट स्मॉल आर, हम लोगों ने रेडियस का क्या पड़ेगा. ठीक है, सो इन दैट सिनेरियो वी कैन राइट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज K, X, lambda, कुछ कैंसिल तो नहीं होगा इसमें, 2 pi capital R by R square plus X square raised to power 3/2. अगर आप इसमें नोटिस करोगे 2 pi R into lambda, ये एक्चुअली कैपिटल Q का वैल्यू है, सो इट डजेंट मैटर आप कैसे भी सॉल्व करो, इवेंचुअली रिजल्ट सेम आएगा. बट ये एक्सप्रेशन क्या है, थोड़ा lambda के टर्म्स में यहाँ पर एक्सप्रेशन जो आया हमारा, इट लुक्स बिट मेसी compared to previous expression. Okay. Already previous expression पहले से ही बहुत messy है, but the second one what we did is horrible compared to previous one. Okay. So capital Q के terms में this one is better. Okay. Okay, so I hope ये parts will clear out. सेकेंड पार्ट भी नोट कर लो फटाफट में. सो लेट मी नो चैट पे फटाफट इफ ऑल ऑफ यू हैव नोटेड इट ऑलरेडी.
Okay, so I guess everyone has noted it. So let's jump to conclusion part. इसमें क्या graph wise analysis है और expression में क्या detail है एक बार वो देख लेते हैं.